सत श्री अकाल तुसीं देख रहे हो द पंजाब टीवी ते मैं हाँ जज सिंह चाहल। अज दे पंजाबी प्राइम टाइम दे विच तुहाडा सारयां दा बहुत बहुत स्वागत है। पंजाबी प्राइम टाइम दे विच सब तो पहला गल करांगे नवें कैबिनेट मंत्रियों की, जिन्हां नूं विभागां की वंड इत्थे मान दे वल्लों कर दित्ती गई है। कुछ पुराने मंत्रियों के विभागों के फेरबदल भी किया गया है। बार्डर एरिया नूं लैके मुख्यमंत्री ने कुछ नवें ऐलान कर दिते ने। बेअदबी दे विच अकाली दल नूं क्लीन चिट मिलण मुद्दा हुण पखदा दिखाई दिंदा है। दादूवाल ने केजरीवाल नूं नसीहत दे दित्ती है। बेअदबी दे मुद्दे ते आम आदमी पार्टी दे वल्लों स्पष्टीकरण दिता गया है। पंजाब बोर्ड दा 10वीं जमात दा नतीजा आ गया है। भाषा विभाग दे वल्लों एक नोटिफिकेशन कढ़िया गया है। तुहानूं सारी जानकारी देंगे, पर सब तो पहलां शुरुआत नवें कैबिनेट मंत्रियों तों करदे हां। पंजाब दी सरकार दे विच पंज नवें कैबिनेट मंत्रियों दे वल्लों सौ चुकी गई अते हुण मुख्यमंत्री भगवंत मान दे वल्लों इन्हां नवें मंत्रियों विचाले विभागां दी वंड भी कर दित्ती गई है, जिन्हां दे विच बहुत अहम विभाग इत्थे इन्हां मंत्रियों नूं दे दित्ते गए ने। गल जेकर अमन अरोड़ा दी कीती जावे तां उन्हां नूं सूचना अते लोक संपर्क विभाग मिलिया है। नवें अते नवियाउणयोग ऊर्जा स्रोत, घरेलू अते शहरी विकास मंत्रालय अमन अरोड़ा नूं मिलिया है। सीधे तौर पर हुण उन्हां नूं शहरी विकास मंत्री पंजाब दे विच कहा जा सकता है। डॉक्टर इंद्रबीर सिंह निज्जर नूं लैके चर्चावां सन कि उन्हां नूं सेहत मंत्री बनाया जा सकता है, पर अजिहा नहीं किया गया। उन्हां नूं स्थानक सरकारां दा मंत्री बना दिता गया है। यह तीजी बार होया है कि अमृतसर दे विच स्थानक सरकारां दा मंत्री बनाया गया है। पहलां नवजोत सिंह सिद्धू बने सन, उस तों पहलां अनिल जोशी बने सन, अते हुण डॉक्टर इंद्रबीर सिंह निज्जर नूं स्थानक सरकारां दा मंत्री बना दिता गया है। फौजा सिंह सरारी दी गल करिए तां उन्हां दे कोल फूड प्रोसैसिंग मंत्रालय मुख तौर ते पहुंच गया है। आजादी घुलाटिए रखिया सेवावां, फूड प्रोसैसिंग अते बागबानी विभाग फौजा सिंह सरारी नूं मुख्यमंत्री भगवंत मान दे वल्लों सौंप दिता गया है। चेतन सिंह जौड़ा माजरा दी गल करिए तां उह पंजाब दे सिहत मंत्री बन चुके ने। उन्हां नूं सिहत अते परिवार भलाई विभाग, मैडिकल सिक्ख्या अते खोज अते चोणां दा महकमा सौंप दिता गया है। अनमोल गगन मान दी गल कीती जावे तां उन्हां नूं सैर सपाटा अते सभ्याचारक मामले, निवेश अते प्रोत्साहन, लेबर अते शिकायतां दा निपटारा विभाग सौंप दित्ते गए ने। अनमोल गगन मान नूं सैर सपाटा अते सभ्याचारक मंत्रालय सौंप दित्ता गया है, क्योंकि वह कलाकारी दी फील्ड नाल संबंधित ने। शायद इसे करके ही उन्हां नूं सभ्याचारक मंत्रालय भी दे दिता गया है। पर इत्थे बिल्कुल वक्खरा फैसला मुख्यमंत्री दे वल्लों यह लिया गया कि डॉक्टर नूं छड के जौड़ा माजरा नूं पंजाब दा सेहत मंत्री बना दिता गया है। चर्चा सी कि इंद्रबीर सिंह निज्जर जिहड़े कि पेशे वजों डॉक्टर ने, उन्हां नूं सेहत मंत्री बनाया जाएगा। इस तो पहला भी डॉक्टर नूं ही सेहत मंत्री बनाया गया सी, डॉक्टर विजय सिंगला, पर हुण चेतन सिंह जौड़ा माजरा नूं पंजाब दा सेहत मंत्री बना दिता गया है। ये पंज नवें कैबिनेट मंत्री अते उन्हां दे विभागां दी वंड मुख्यमंत्री दे वल्लों कर दित्ती गई, पर कुछ पहले मंत्रालयां दे विच वी फेरबदल कीता गया है। जिवें कि हुण गुरमीत सिंह मीतहेर पंजाब दे सिक्ख्या मंत्री नहीं रहे, स्कूली सिक्ख्या दा विभाग उन्हां तों वापस लै लिया गया है, अते उह विभाग माइनिंग अते जेल मंत्री हरजोत सिंह बैंस नूं सौंप दिता गया है। कहण दा मतलब यह है कि अज तो बाद पंजाब दे सिक्ख्या मंत्री मीत हेयर नहीं, हरजोत सिंह बैंस होणगे। ब्रह्म शंकर जिंपा दे कोलों जल स्रोत मंत्रालय भी वापस लै लिया गया है, अते उह मंत्रालय भी हरजोत सिंह बैंस नूं सौंप दिता गया है। हुण मुख तौर ते हरजोत बैंस दे कोल चार मंत्रालय ने, अते चारे ही बहुत महत्वपूर्ण मन्ने जांदे ने। इक उन्हां दे कोल जिहड़े पहलां दो सन माइनिंग अते जेल विभाग, हुण उन्हां दे कोल सिक्ख्या अते जल स्रोत मंत्रालय भी है। चार महत्वपूर्ण विभाग हरजोत सिंह बैंस दे कोल चले गए ने। कुलदीप सिंह धालीवाल नूं पंजाब दा खेतीबाड़ी मंत्री भी बना दिता गया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान पहलां खेतीबाड़ी मंत्री सन, अते हुण उन्हां ने यह अपना विभाग कुलदीप सिंह धालीवाल नूं सौंप दिता है। इस तरीके नाल विभागां दी वंड करके मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपना बोझ भी हल्का किया है, अते हुण मुख्यमंत्री दावा कर रहे ने कि मैं अपने सारे मंत्रियों को कह दिता है कि आपां बड़े वड्डे मार्जन नाल जित के आए हां।
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਮਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਜੇ ਪਹਿਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਨੇ ਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਮ ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰੀਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਾਂਗੇ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਦਾਵਾ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਉੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਮਹੱਤਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਲ ਹੀ ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵੀ ਬਾਰਡਰੀ ਇਲਾਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲਾ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਇਸ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਨਿਗਾਹ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵੱਲ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਦਿਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਹੱਦੋਂ ਪਾਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ BSF ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ NIA ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਲਮੇਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ਾ ਆਉਣ ਦਿਆਂਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਆਉਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ DGP ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਹੁਦਾ ਸਾਂਭਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤੇ, ਸੈਂਕੜੇ ਫੇਰਬਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲ ਹੋਏਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡਲੀ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਦੋ ਮੁੱਖ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਰਗਾੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ SIT ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ SIT ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ ਬਾਦਲਾਂ 'ਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਆਪ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਖਿਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਵੀਡੀਓ
दे विच उन्होंने सीधे तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नूं एक नसीहत दिती है। उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान नूं अपील नहीं की। दादूवाल ने शब्द वरते कि मैं पंजाब के सुपर सीएम अरविंद केजरीवाल नूं अपील करना चाहुंदा हाँ कि बेअदबी के मुद्दे ते बादलां नूं क्लीन चिट नहीं दिती जानी चाहीदी है, क्योंकि ये तां तुसी दस दिता SIT दी रिपोर्ट दे विच कि बेअदबी कीती किसने है अते करवाई किसने है, पर ये तां तुसी रिपोर्ट दे विच दसिया ही नहीं कि वह बेअदबी करन अते करवाउण वालियां दी पुश्त पनाही आखिर कीती किसने है अते उन्हां नूं बचाउण दा काम बादलां ने कीता है, ये तुसी रिपोर्ट दे विच क्यों नहीं किया। दादूवाल पहला कहिंदे सन कि बादलां ने बेअदबी कीती है अते बादलां ने ही बेअदबी करवाई है, पर हुण उन्हां दे भी शब्द इत्थे बदलदे इस रिपोर्ट तो बाद दिखाई देंदे ने। हुण बलजीत सिंह दादूवाल ने इस वीडियो दे विच लगातार ये गल कही कि बेअदबी भावें डेरा मुखी ने करवाई सी, डेरा प्रेमियां ने कीती सी, पर उन्हां नूं बचाउण दा काम कीता बादलां ने अते गोलियां चलवाउण दा भी काम कीता बादलां ने। इस तरीके नाल सीधे तौर पर बलजीत सिंह दादूवाल भी इत्थे बादलों नूं क्लीन चिट दिंदे दिखाई दिते बेअदबी दे मुद्दे ते, जबकि पहला इन्हां सिख शख्सियतों के वलों सीधे तौर पर कहा जाता सी कि बादलों ने बेअदबी की है, बादलों ने बेअदबी करवाई है, बादलों ने उस तो बाद इस केस नूं रफा दफा किया है, पर हुण बलजीत सिंह दादूवाल भी कहन लग पए ने कि बेअदबी भावें डेरे वालियां ने की करवाई है पर बादलों ने पुश्त पनाई की है, कोटकपुरा च लाठीचार्ज और बैबल कलां दे विच गोली बादलों ने चलवाई है, इस करके उन्हां नूं सजावां दित्तियां जाणियां चाहीदियां ने। केजरीवाल नूं नसीहत दादूवाल ने इस करके दिती है, वह भी सुपर सीएम कह के पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान नूं तां अपील ही नहीं की, सीधा ही अरविंद केजरीवाल नूं वह भी सुपर सीएम कह के दादूवाल ने असिधे तरीके नाल यह कहने की कोशिश की कि भगवंत मान की पंजाब की सरकार दे विच नहीं चलती है, जो कुछ करते हैं अरविंद केजरीवाल ही करते हैं, इस करके उन्होंने नसीहत दी केजरीवाल नूं कि बादलों का कैप्टन अमरिंदर सिंह का हशर वेख लो, उस तो बाद ही बेअदबी के मुद्दे से राजनीति करो। दादूवाल ने तो यह भी दावा कर दिता कि आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल अते बादलों विचाले समझौता हो गया है, इस करके ही बरगाड़ी की SIT की रिपोर्ट के विच बादलों नूं क्लीन चिट दे दिती गई है, पर केजरीवाल नूं जरा समझना चाहिदा है, कैप्टन अते बादल दे वल वेख लेना चाहिदा है, लोगों ने उन्हां नूं कित्थों कित्थे पहुँचा दिता है, अरविंद केजरीवाल जरा ध्यान नाल चलन, इस मुद्दे पर राजनीति करन की कोशिश ना करन, यह सख्त चेतावनी इत्थे बलजीत सिंह दादूवाल दे वल्लों दिल्ली दे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नूं दे दित्ती गई है। अगली खबर दे वल वधदे आ, इसे ही मुद्दे ते गल कर लैने आ जिस दे विच आम आदमी पार्टी दे वल्लों भी स्पष्टीकरण दे दिता गया है। हुण आम आदमी पार्टी ते इल्जाम यह लग रहा है कि SIT दी रिपोर्ट दे विच बादलों नूं क्लीन चिट आम आदमी पार्टी की सरकार दे वल्लों दे दित्ती गई है, पर अकाली दल भी कह रहा है कि सानू क्लीन चिट मिल गई है, विरोधी पार्टियां भी कह रही ने, सिख शख्सियतों ने भी कहना हुण शुरू कर दिता है, आम आदमी पार्टी नूं घेरना शुरू कर दिता है, पर आम आदमी पार्टी ने अज चंडीगढ़ दे विच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बारे अपना पक्ष रख दिता है, स्पष्टीकरण दे दिता है। आप दे बुलारे मालविंदर सिंह कंग ने कहा कि बरगाड़ी की जिहड़ी SIT की रिपोर्ट सामने आई है इस दे विच कोई वहम दे विच ना रहे कि सानू क्लीन चिट मिल गई है, किसी नू कोई भी क्लीन चिट नहीं दिती गई है। मालविंदर सिंह कंग ने दावा किया कि यह जिहड़ी रिपोर्ट जनतक हुई है यह सिर्फ बुरज जवाहर सिंह वाला केस की रिपोर्ट है जिस दे विच गुरु ग्रंथ साहब जी के सरूप चोरी हुए उसकी जाँच, उस तो बाद धमकी परे पोस्टर लाए गए उसकी जाँच, उस तो बाद जिहड़े गुरु ग्रंथ साहब जी के अंग गलियां दे विच खिलारे गए सन उसकी जाँच की रिपोर्ट ही है, इस दे विच ना तो कोटक पुरा वाली जांच है ना ही बैबल कला गोली कांड वाली जांच है, यह सिर्फ बरगाड़ी बेअदबी कांड की जांच है, इस करके ये सोचना कि उन्हां लोकां नूं क्लीन चिट मिल गई है जिहड़े कि अकाली दल वाले हुण प्रेस कॉन्फ्रेंसां कर रहे ने, उन्हां नूं क्लीन चिट बिल्कुल नहीं मिली है। साडी सरकार दे वल्लों बेअदबी दे दोषियां ते सख्त तों सख्त कार्रवाई की जाएगी, छेती तों छेती कार्रवाई की जाएगी। जेकर मालविंदर सिंह कंग दे इन्हां सारे बयानां दा निचोड़ तुहानूं दसीए तां उन्हां ने भी यही कहने की कोशिश की कि बेअदबी की रिपोर्ट तो सामने आ गई है,
उस बादलों का नाम नहीं आया, पर कोटकपुरा और बैबल कलां दे विच जो गोलीकांड होया सी उस दे विच बादलों का नाम जरूर आएगा। ये संकेत इत्थे मालविंदर सिंह कंग दे वल्लों दिते गए बेअदबी विचों एक तरीके नाल इत्थे क्लीन चिट दिंदे। मालविंदर सिंह कंग भी दिखाई दिते क्योंकि उन्होंने आप ही कहा कि बेअदबी के जिहड़े केस सन उन्हां दी जांच रिपोर्ट अजे आई है, इस दे विच बादलों का नाम नहीं आया, पर गोलीकांडां दी जांच अजे होनी है, उस दे विच इन्हां दा नाम जरूर आएगा। अते साडी सरकार कहिंदे ने वचनबद्ध है कि दोषियों नूं सजावां जरूर दित्तियां जाणगियां। कहने का मतलब हुण यह है कि वह सारे लोग जिहड़े पहलां कहिंदे सन कि बादलों ने बेअदबी की अते करवाई है, वह लोग हुण कहिण लग पए ने कि बादलों ने बेअदबी की ते करवाई नहीं, बेअदबी की ते करवाई डेरे वालियां ने है, पर उन्हां नूं बचाया बादलों ने, बादल सरकार ने, अते गोलीकांड करवाया है बादलों ने अते बादल सरकार ने। हुण वह लोग जो दोष लाउंदे सन उन्हां दी भाषा इत्थे बदलदी दिखाई दिंदी है, वह क्यों? इस बारे तो उही लोग हुण जवाब दे सकदे ने, पर आम आदमी पार्टी दे वल्लों भी इस मुद्दे ते अपना पक्ष रख दिता गया है। अगली खबर दे वल वधदे हां। अगली खबर अकाली आगू विरसा सिंह वलटोहा दे नाल जुड़ी हुई है, जिहड़े कि श्री अकाल तख्त साहिब ते तलब हो गए, पेश हो गए, अपने आप ही पहुँच गए। विरसा सिंह वलटोहा तो पुछया गया कि श्री अकाल तख्त साहिब दे सामने तुसीं पेश क्यों होण आए हो। वलटोहा ने जानकारी दित्ती कि 5 फरवरी 2004 नूं स्पोक्समैन अखबार के संपादक जोगिंदर सिंह नूं श्री अकाल तख्त साहिब दे वल्लों तलब किया गया सी। 10 मार्च 2004 नूं जोगिंदर सिंह नूं पंथ दे विचों छेक दिता गया सी अते हुक्मनामा श्री अकाल तख्त साहिब तो जारी होया सी कि किसी भी तरह का संबंध जोगिंदर सिंह जां फिर उसके अदारे दे नाल नहीं रखना है, पर मैं तो उस अदारे नूं बहुत बार इंटरव्यू दे चुका, मेरे कोलों एक गुनाह हो गया है, मेरे कोलों एक गलती हो गई है, तो भुल बुखशाउण दे लई मैं श्री अकाल तख्त साहिब विखे पहुंचिया हाँ अते मैं श्री अकाल तख्त साहिब नूं अपील करदा हाँ कि मैनूं जो भी सज़ा लाई जाती है मैं भुगत तैयार हाँ। वलटोहा ने यह भी अपील की कि होर भी जिहड़े लीडर ने भावें वह अकाली दल दे ने उन्हां नूं भी श्री अकाल तख्त साहिब विखे पेश होना चाहिए है, जिन्हां जिन्हां ने उस अदारे नूं इंटरव्यूज दित्तियां ने वह पेश होना अते अपनी भुल बखशाउणा। इस सब दे लई श्री अकाल तख्त साहिब विखे पहुँच गए। इत्थे विरसा सिंह वलटोहा पुछया गया इन्ने साल हो गए, 2004 की गल है, 2022 आ गया है, उदों दे क्यों नहीं आए? कहिंदे ने कि हुण मैं श्री अकाल तख्त साहिब दे हुक्मनामे किताब पढ़ रहा सी, मैं हुक्मनामा यह दिसया, उस तो बाद मैं उस वेले ही श्री अकाल तख्त साहिब विखे पहुंच गया हाँ अपनी भुल बखशाउण दे लई। अगली खबर के वल वधदे हां। जलंधर कैंट तो विधायक प्रगट सिंह दे वल्लों पंजाब दे मीडिया ते कुछ सवाल चुके गए ने। उन्होंने अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज पर एक पोस्ट पाई है, जिस पोस्ट उन्होंने पंजाब दे मीडिया से वड्डे सवाल खड़े कर दिते ने। उन्होंने लिखा है कि भारत के नाल नाल पंजाब विच भी प्रेस फ्रीडम का बुरा हाल है, कुछ कुन छड के बहुता मीडिया सत्ता धिर दे कब्जे च है। पंजाब दा पत्रकार भाईचारा ही यह दसदा है कि किवें पंजाब दी सत्ता धिर मीडिया अदारियां नूं कंट्रोल कर रही है, किवें विरोधी धिर नूं कवर करन तों वर्जिया घटाया जांदा है, किवें साडे वर्गियां दे बयान अते ट्वीटां नूं कवर करन लई वर्ज दित्ता गया है, किवें आप वल्लों फोन करके खबरां दे लिंक डिलीट करवाए जांदे हन, किवें विरोधी धिर दे लीडरां दी प्रेस कॉन्फ्रेंस करन तों रोकिया जांदा है, किवें हर निक्की गल ते आप दे मीडिया सैल तों फोन आ जांदा है ते खबर पोस्ट बदलन लई जां डिलीट करन लई कहा जांदा है। एक पत्रकार दोस्तां कहिंदा कि इंज लगदा है जिवें मैं अदारे दी नहीं आप दी नौकरी कर रहा होवां, मीडिया अदारे सत्ता पार्टी ने कंट्रोल कीते ते असीं तां अदारियां कोल कम करना गल मननी पैंदी है। इको ही गल है दोस्तों, अज एक पासड़ चलोगे तां लोक तुहानूं देखणा बंद कर देणगे, पैसा ही सारा कुछ नहीं हुंदा, पिछले समें च एक पासड़ चलण वाले मीडिया नूं कोई देखणा भी पसंद नहीं करदा, जे ना सुधरे उही हाल अगे उन्हां दा होणा है जो एक पासड़ चलदे हन, उही चैनल चलणगे लम्मा समा जो निरपक्ष रहणगे। पंजाब दे मीडिया ते सवाल इत्थे प्रगट सिंह दे वल्लों चुक दित्ते गए ने कि निरपक्ष तरीके नाल रिपोर्टिंग पंजाब दे मीडिया दे वल्लों नहीं कीती जा रही है। प्रगट सिंह ने बहुत गंभीर इल्जाम पंजाब दे मीडिया ते ला दिते ने। अगली खबर कनेडा तो आई है। कनेडा के टोरंटो के विच एक सिक्योरिटी गार्ड कंपनी के वलों
सिख सिक्योरिटी गार्डां नूं नौकरी तों कढ दित्ता गया है। 100 दे करीब सिख सिक्योरिटी गार्डां नूं नौकरी तों हथ धोणा पै गया है। दरअसल इस सिक्योरिटी कंपनी ने शर्त रखी कि जिहड़े साडी कंपनी दे विच सिक्योरिटी गार्ड होणगे ओह क्लीन शेव होणे चाहीदे ने। क्लीन शेव दा मतलब है कि उहनां दे ना तां मुछां होणियां चाहीदियां ने, ना ही दाढ़ी होणी चाहीदी है, शेव कीती होणी चाहीदी है। इस दे पिछे तर्क कंपनी ने इह दित्ता कि जिहड़ा कोरोना तों बचा लई N95 मास्क आउंदा है ओह दाढ़ी दे नाल चंगे तरीके नाल मूंह ते नहीं पैंदा। जेकर क्लीन शेव बंदा हुंदा है तां ही मास्क चंगे तरीके नाल पैंदा है। इस करके 100 तों वध सिख सिक्योरिटी गार्डां नूं अपनी नौकरी गवाउणी पै गई है, जिस तों बाद इस फैसले दा विरोध भी होण लग पिया है। वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन दे वल्लों इस दा तिखा विरोध कीता गया है। कहिंदे ने इंज नहीं होणा चाहीदा, तुसीं सिखां दे विश्वास दे नाल इस तरां नहीं खेड सकदे, अपना फैसला वापस लैणा चाहीदा है। पंजाब दे सिख्या मंत्री हरजोत बैंस दे वल्लों भी इस संबंधी ट्वीट करके इस दा विरोध कीता गया है अते कंपनी नूं अपील कीती गई है कि अपना यह फरमान वापस लेना चाहिदा। इस फैसले दा विरोध हुण पूरी दुनिया दे विच हुंदा दिखाई दिंदा है। अगली खबर दे वल वधदे आं। पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड दे वल्लों 10वीं दे नतीजे जारी कर दिते गए। PSEB दे चेयरमैन योगराज शर्मा दे वल्लों इह नतीजे ऑनलाइन जारी कीते गए, जिस दे विच इक वार फिर तों लड़कियां दे वल्लों झंडे गढ़ दिते गए ने। पहले 3 स्थानां ते लड़कियां दे वल्लों कब्जा कीता गया है। जेकर गल पहले नंबर दी कीती जावे तां पहले नंबर ते नैन्सी राणी आई है, जिहड़ी कि सरकारी हाई स्कूल फिरोजपुर दी विद्यार्थिन है। दूजे नंबर ते दिलप्रीत कौर आई है, गुरु तेग बहादुर पब्लिक सीनियर सैकेंडरी स्कूल संगरूर दी इह विद्यार्थिन है। तीजे नंबर ते कोमलप्रीत कौर है, जिहड़ी कि भुटाल पब्लिक सीनियर सैकेंडरी स्कूल भुटाल कलां संगरूर दी विद्यार्थिन है। इस तरीके नाल दूजे अते तीजे नंबर ते संगरूर दीआं विद्यार्थिनां आईआं ने अते पहले नंबर ते फिरोजपुर दी विद्यार्थिन आई है। 12वीं जमात दे नतीजिआं दे विच वी लड़कियां दे वल्लों ही मल्लां मारीआं गईआं सन। इत्थे हुण जिहड़े 10वीं दे नतीजे आए ने उहनां दे विच वी लड़कियां ही पहले 3 नंबरां ते काबिज़ होईआं ने। अगे वधदे आं। भाषा विभाग दे वल्लों एक नोटिफिकेशन जारी किया गया पंजाबी भाषा नूं लैके। इस नोटिफिकेशन दे विच सीधे तौर पर हदायतां जारी कीतियां गईयां कि पंजाबी भाषा नूं पहल दित्ती जानी चाहीदी है। ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ, ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਬੋਰਡ, ਨਿਗਮ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਕਟ, ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਨਾਮ ਪੱਟੀਆਂ, ਮੀਲ ਪੱਥਰ, ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਦੇਣੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖਣੀ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਨ ਕੁਝ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਏ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਜੱਜ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ TV, ਹਰ ਖਬਰ ਦਾ ਸੱਚ।